हेलो फ्रेंड्स, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए, जहां पे डिप्लोमा और डिग्री होल्डर्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अगेन, फ्रेशर्स कम्प्लीटली एलिजिबल हैं, कोई एग्जाम कोई फीस नहीं है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, रेगुलर जॉब अपडेट्स के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। इसी के अलावा हम अपने चैनल पर शॉर्ट्स वीडियो भी डालते हैं रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन, ताकि आपको प्रॉपर पता चले कि क्या क्या गलतियाँ होती हैं एग्जीक्यूशन के टाइम में, कंस्ट्रक्शन के टाइम में, ताकि जब आप कभी ड्यूटी करने जाते हैं एज अ साइड इंजीनियर या फिर कभी अपना घर बनवाते हैं तो वो गलतियां आप ना कर सकें। एब्सोल्युटली फ्री है और चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और आप हमें हमारे सारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, दैट इज इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, लिंक्डइन, और सबकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सीधे बात करते हैं रिक्रूटमेंट पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। This is coming from Goa Shipyard Limited, a government of India undertaking है। Apprentice की vacancy यहाँ पे निकल के आ रही है। यहाँ पे Goa से ही यहाँ पे आपकी place of posting रहने वाली है, Vasco da Gama, Goa, ठीक है। बात कर लेते हैं vacancies के बारे में। तो graduate level पे 15 vacancy हैं, civil के लिए 1 है, mechanical के लिए 6 हैं, electrical के लिए 4 हैं, ITCS वालों के लिए 2 vacancy हैं, electronics के लिए 2 vacancy हैं। Stipend की बात कर लेते हैं तो 9000 रुपये पर मंथ मिलने वाली है। क्वालिफिकेशन BE BTech अपने ही डिसिप्लिन में मांग लिया गया है। इसी के अलावा ड्यूरेशन इसकी 1 साल रहने वाली है। बच्चों की बहुत सारे कमेंट आती है कि सर अप्रेंटिस है, मैं भला अप्रेंटिस क्यों करूं, कुछ फ़ायदा तो है नहीं। तो बेटा देखिए, टाइम अब वो नहीं रहा है जो कि पहले था। आज के टाइम में अप्रेंटिस की प्रॉपर वैल्यू है। आपको काम सीखने को मिलता है, किसी भी बड़ी कंपनी का, बड़ी PSU का एक्सपोजर मिलता है, पता चलता है कि काम कैसे होता है, रैंक्स क्या होती हैं, लेवल्स क्या होते हैं, और इसी के अलावा आपको जो एक्सपोजर मिलता है उसकी वैल्यू होती है, जो आपकी नॉलेज मिलती है उसकी वैल्यू होती है। इसलिए देखिए, ज़रूर इसमें आप ज़रूर जाइए। अगर आप कहीं ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं एज अ फ्रेशर हैं, उस केस में मत जाइएगा। बट अगर आप घर बैठे हैं, बीटेक पास कर लिया है, डिप्लोमा पास कर लिया है, कुछ करने के लिए नहीं है, उस केस में आपको देखिए ज़रूर ज़रूर करनी चाहिए अप्रेंटिसशिप, ठीक है। फिर नेक्स्ट वैकेंसी है टेक्निकल अप्रेंटिसशिप। सिविल के लिए 1 वैकेंसी है, मैकेनिकल के लिए 2 हैं, और CSIT के लिए 2 वैकेंसी है। स्टाइफंड 8000 रुपये पर मंथ मिल जाएगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5 है। क्वालिफिकेशन डिप्लोमा अपने ही डिसिप्लिन में मांग लिया गया है। फिर जो नॉर्मल ग्रेजुएट होते हैं उनके लिए है, खैर उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसी के अलावा अगर हम थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर आपने अपना डिप्लोमा या फिर डिग्री 2021, 22 या 23 में कंप्लीट किया है तभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसी के अलावा आपकी जो स्कूलिंग है वो गोवा में ही होनी चाहिए, और यहाँ पर सिर्फ गोवा के कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। आउटसाइड के जो बच्चे हैं वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये गोवा वालों के लिए ही मौका है, इस बात का आपको खास ध्यान देना है। अप्लाई करने के लिए इसकी जो लास्ट डेट है 20 मई रखी गई है, उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। इसका एक फॉर्म है जो कि आपको भर लेना है, और भरने के बाद आपको पोस्ट कर देना है बेसिकली इस एड्रेस पे, द चीफ मैनेजर, द चीफ जनरल मैनेजर, HR एंड एडमिन, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वेडान, वास्को डी गामा, गोवा। इस एड्रेस पे आपको पहुंच जाना चाहिए। आपको अपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, तो पहली बात तो जो आप फॉर्म भरते हो आपको ये वाला भेजना है। इसी के अलावा आपके अपने सारे क्वालिफिकेशंस के डॉक्यूमेंट्स, अपने बीटेक डिप्लोमा की मार्कशीट्स, अपने 10th 12th की मार्कशीट्स, इसी के अलावा अपना आधार पैन आपको भेजना होगा। ध्यान रखने वाली बात यह है, यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपकी NATS पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसी केस में यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। बाकी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। बाकी एक कमेंट्स आ रही है बहुत दिनों से कि सर आपकी वेबसाइट चल नहीं रही है। तो हाँ बेटा, थोड़ा काम चल रहा है, थोड़ा सा सर्वर डाउन है, इसीलिए जब आप वेबसाइट खोलते हैं तो कोई और ही खुल के आ जाती है, हमारी वाली खुल के नहीं आती है, लेकिन प्रॉपर काम चल रहा है। मे बी आज रात तक वो चीज़ ठीक हो जाएगी, ठीक है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो फिलहाल आज के लिए भी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आती है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।